नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कई बार हम बहुत ही मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा हमारे पास ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाता। घर में धन आता है और चला जाता है। आज के दौर में पैसे की अहमियत हम सभी जानते हैं। पैसा कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपना और अपने परिवार की जरूरतों को हम पूरा कर सके। लेकिन अगर मन मुताबिक पैसा कमाने के बावजूद वो आपके हाथ में नहीं टिकता तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं कुछ तो अशुभ हो रहा है। इतना पैसा आने के बाद भी जेब में फूटी कौड़ी भी ना बचे तो आपको संभल जाना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको मेहनत के साथ जरूरत है कुछ उपाय करने की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको रविवार के दिन क्या उपाय करना है जिससे आपके घर में बरकत हो, पैसा आपके हाथ में टिकने लगे। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, जिस तरह से हर दिन आम जरूरतों की चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि उस वजह से हमारे घर का बजट संभालना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप भी इस चिंता में रहते हैं कि किस तरह से घर परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाए, तो दोस्तों चिंता करने से तो ना आपकी समस्या दूर होगी और ना ही घर का बजट संभलेगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा जिससे आप बजट को संभालने में कामयाब हो और आने वाले समय के लिए कुछ धन भी बचा पाएं। धन प्राप्ति के बहुत से उपाय आपने सुने भी होंगे और यकीनन किए भी होंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है बरकत के उपाय की जिससे धन आने के साथ साथ घर में टिक पाए, ना कि आते साथ ही सारा पैसा खर्च हो जाए और आखिर में आप वहीं ठनठन गोपाल रह जाएं। इसलिए तो आज हम आपको रविवार के जिस खास उपाय के बारे में बताएंगे, उससे ना केवल आपके घर में पैसा टिकने लगेगा बल्कि सूर्य देव की कृपा भी आपको मिलेगी। और जिस व्यक्ति पर एक बार सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, उसे जीवन भर पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, साथ ही साथ समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले तो दोस्तों ये जान लें कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को वास्तु के अनुकूल बनाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तु दोष घर में रह ही जाता है। अब ऐसे में यही वास्तु दोष हमारी तरक्की में और बरकत में रुकावट बनता है। तो ऐसे में इन वास्तु दोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए देहरी पूजा एक बहुत ही सिंपल और कारगर तरीका है। रोजाना की घर की पूजा करने के बाद देहरी पूजा करें। चलिए जानते हैं कि देहरी पूजा किस तरह से की जाती है। इसके लिए आप घर के बाहर दहलीज के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही रोजाना सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो लोग रोजाना देहरी पूजा करते हैं, दहलीज के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है, यानी कि पैसा आता है और हाथ में टिकने लगता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके घर के वास्तु दोष में कमी आएगी और घर में जो फालतू के खर्च हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। अगर कुमकुम की जगह घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाया जाए और उस पे पीले फूल और अक्षत यानी चावल चढ़ाए जाए तो घर में लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी वास करते हैं। दोस्तों, घर में बरकत के लिए सूर्य देव को प्रसन्न करें। अब उसके लिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आप रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो इसे अभी से ही अपनी आदत में शामिल कर लीजिए और रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव की कृपा पाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। बहुत से लोग सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन रविवार के दिन किस खास तरीके से आपको ये करना है इस बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, रोजाना आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है, लेकिन रविवार के दिन अगर आप जल में थोड़ा से चावल, थोड़ा सा लाल फूल और चंदन डाल लें तो इससे पूजन का लाभ आपको दोगुना मिलेगा और सूर्य देव की कृपा से आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि सूर्य देव को अर्घ देते समय हमेशा अपना मुख पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन की ओर रखें।
ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और घर में इतनी बरकत होगी कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे और आपके घर में पैसा टिकने लगेगा, यानी माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। इसके अलावा ये उपाय भी आप कर सकते हैं, रविवार के दिन रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास पानी में थोड़ा सा दूध डालकर सोएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसे ऐसी जगह रखें कि ये रात को सोते समय आपके हाथ से लगकर गिर ना जाए। अब अगले दिन यानी सोमवार के दिन सुबह उठें और स्नान करके इसे बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में धन टिकने लगेगा और आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि मिलेगी। अगर बबूल का पेड़ ना हो तो पीपल के पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं, लेकिन बबूल की जड़ में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा शुभ फल मिलेगा। इसके अलावा रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा घी का दीपक जलाएं। चौमुखा दीपक मतलब जिस दीपक को चारों तरफ से आप जला सकते हैं, इससे व्यापार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में धन आने के कई रास्ते बनते हैं। इतना ही नहीं, घर में सभी तरह की समस्याएं भी दूर होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।